पंजाब के सीएम की सिरमौर मऊगंज विस से सभा। भाजपा के लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, अरे इंजन में दम हो तो एक इंजन भी बहुत होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा अंतर्गत अतरैला में पंजाब के सीएम भगवंत मान और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने चुनावी सभा की। दोनों नेताओं ने आप प्रत्याशी सरिता पांडे के पक्ष में समर्थन मांगा, जनता से जिताने की अपील की। कहा है कि प्रदेश में परिवर्तन की लहर है, पिछले चुनाव में भी परिवर्तन हुआ पर खरीद फरोख्त के चक्कर में सरकार गिर गई। मान ने केंद्र की मोदी और राज्य की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि भाजपा के लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, अरे इंजन में दम हो तो एक भी इंजन बहुत होता है। कहा अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो वो भाजपा को जाएगा, भाजपा फिर से कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर सरकार बना लेगी। चुनाव के अगले दिन ही कांग्रेस के जीतने वाले विधायक बोर्ड लगा लेते हैं, यहाँ जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेट पर मिलते हैं। भगवंत मान ने कहा कि अतरैला में दूर दूर से लोग, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग आए हैं। आपका आना बताता है कि मध्य प्रदेश बदलाव के लिए तैयार है। आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सिर माथे पर है। आगे कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बिजली मुफ्त कर दी, सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। अब जज का बेटा, गरीब झुग्गी वाले का बेटा एक ही बेंच पर पढ़ते हैं। गरीबों के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। विंध्य और महाकौशल में सभी दलों की नजर। बता दें कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही मुख्य दलों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। 2023 के चुनाव में सभी दलों का फोकस विंध्य व महाकौशल है। यह आदिवासी बाहुल्य इलाका है। यहाँ बीते दिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी शहडोल जिले के ब्योहारी में सभा कर एक बार फिर सीधी जिले के पेशाब कांड का मुद्दा उठाया। इसके पहले जबलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनावी दौरा हो चुका है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बघेलखंड के हर जिले को नाप चुके हैं। इसी तरह तीसरे दल के रूप में आप बसपा और सपा उपस्थित दर्ज करा चुके हैं। अखिलेश यादव सिरमौर तो अरविंद केजरीवाल सतना और रीवा में सभा कर चुके हैं। वहीं अब मान की रीवा और सीधी में सभा है। पंजाब के सीएम मान 11 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे से सिरमौर विधानसभा की आप प्रत्याशी सरिता पांडे के लिए अतरैला में सभा किए। इसके बाद मऊगंज से आप प्रत्याशी उमेश त्रिपाठी और देव तालाब से आप प्रत्याशी दिलीप सिंह गुड्डू के पक्ष में नवागत जिला मऊगंज के मुख्यालय में प्रचार प्रसार कर विंध्य में आपका माहौल बनाया। फिर शाम होते ही हवाई मार्ग से चंडीगढ़ चले गए। 10 की शाम रीवा शहर में निकला था रोड शो। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंगलवार की शाम रीवा शहर के कॉलेज चौराहा से लेकर शिल्पी प्लाजा तक 800 मीटर का रोड शो किए। वे आप प्रत्याशी इंजीनियर दीपक पटेल के लिए वोट मांगे। मान ने 10 गारंटी देते हुए दिल्ली और पंजाब की तरह भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का भरोसा दिया। पंजाब सीएम भगवंत मान के विंध्य में दौरे। 20 अगस्त को सतना में प्रबुद्ध जन संवाद। आपके संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ 10 गारंटी दी। 18 सितंबर को रीवा के SFA मैदान में महारैली। महारैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ 10 गारंटी दी। 10 अक्टूबर की दोपहर सीधी के चुरहट और रामपुर नैकिन में सभा। शाम को रीवा शहर में रोड शो कर मोदी और शिवराज पर छोड़े शब्द भेदी बाण। 11 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से सिरमौर के अतरैला में सभा किए। फिर शाम को मऊगंज मुख्यालय में मऊगंज और देव तालाब के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। ये बोल बात बात पे बीजेपी बोलती रहती है डबल इंजन। भाई साहब आपको भी डबल इंजन मिला था, कहां गई गाड़ी? गाड़ी तो चली नहीं। डबल इंजन, अरे भाई साहब एक इंजन में जान हो ना, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब डबल इंजन की नहीं, मध्य प्रदेश को नए इंजन की जरूरत है, नए इंजन की। और केजरीवाल मॉडल एक नया इंजन पहुंच चुका है मार्केट में, प्रदूषण भी नहीं फैलाता और फटाफट स्पीड है। पंजाब में, दिल्ली में ये मॉडल लोगों ने अपना लिया। पंजाब और दिल्ली की गाड़ी, विकास की गाड़ी पटरी पर फटाफट दौड़ रही है। आज 11 तारीख होगी भाई साहब, 17 नवंबर का दिन है, 20 दिन ये, 17 अगले, 37 दिन रह गए, 37 डेज, 37 दिन रह गए। आपके पास एक मौका 17 नवंबर को आएगा। यह मौका आमतौर पे पब्लिक को नहीं मिलता जी, 5 साल बाद मिलता है। 5 साल बाद आपको एक मौका
मौका मिलेगा, उसमें भी कुछ घंटे हैं, 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, 9 घंटे, 9 घंटे अगर जागते हुए, 9 घंटे अपने मन की इच्छा के मुताबिक, 9 घंटे अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए अगर अपने इस्तेमाल कर लिए, झाड़ू का बटन दबा दिया, तो ये 9 घंटे इतिहास में लिखे जाएंगे, आपका भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि मध्य प्रदेश जब बर्बादी के कगार पर था तब उसको खड़ा किसने किया था, ये लोग थे मऊगंज के, ये लोग थे, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। पंजाब में 117 सीटें हैं, बांध में सीटें आम आदमी पार्टी को भी, हमारे 25 साल के, 27 साल के, 28 साल के, 30 साल के लड़के लड़की एमएलए बन गए। एक तो यही बैठा है, ये देखो दिनेश खड़ा, दिनेश चड्डा, रोपड़ से, रूपनगर बोलते हैं, रोपड़ से बड़े बड़े दिग्गजों को हरा के आया है, यंग लड़का है। इस उम्र में कांग्रेस वाले सरपंच की टिकट नहीं देते, बीजेपी वाले ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बनाते, क्योंकि इनके अपने बेटे बेटी ही नहीं खत्म होते, इनके रिश्तेदार, चाचा, भतीजा, साला, जीजा। और आम आदमी पार्टी है जिसने आम लोगों के बेटे बेटियों को टिकटें दी, मंत्री बने विधानसभा में, मैं खुद खड़ा हूं आपके सामने, एक टीचर का बेटा हूं जी, एक गांव, छोटे से गांव में पैदा हुआ, साइकिल पर जाता था, दसवीं तक साइकिल पर गए, उसके बाद बस की छत पर बैठ कॉलेज जाते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस कदर प्यार मिलेगा लोगों का, पर ये आम आदमी पार्टी है जिसने ये मौका दे दिया कि मेरे जैसे लोग भी विधानसभा में जा सकते हैं, या मेरे जैसे लोग भी मुख्यमंत्री बन के देश की सेवा कर सकते हैं, प्रदेश की सेवा कर सकते हैं। केजरीवाल की गारंटियां, हम वो चीज कहते नहीं जो पूरी नहीं कर सकते, हम जो कहते हैं वो पूरी करते हैं। अब मोदी जी भी गारंटियां बोलने लगे हैं, बोलते हैं ना मोदी जी, मोदी की गारंटी। मैं तो यही कहूंगा, जब 140 करोड़ लोगों ने बीजेपी के लिए बजा दी खतरे की घंटियां, तब याद आई मोदी जी को गारंटियां। ये गारंटियां नहीं चलेंगी, केजरीवाल वाली गारंटियां अच्छी है भाई, वो पूरी होती हैं। आपके बच्चों को शिक्षा, बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।